नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, रेप और ब्लैकमेल के आरोप में पुलिस ने किया इस बाबा को अरेस्ट। यूट्यूब चैनल पर भी देता था उपदेश। बता दे कि दिल्ली पुलिस ने द्वारका से ककरोला गांव में आश्रम चलाने वाले एक बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा के ऊपर कई महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि दुख दर्द दूर करने के नाम पर वह महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठता था। इतना ही नहीं, वह आश्रम में बुलाने के बाद रेप भी करता था और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। बाबा के खिलाफ एक महिला ने पूजा पाठ के नाम पर आश्रम में बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और बाबा को अरेस्ट कर लिया है। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी मसानी बाबा भक्तों को धार्मिक उपदेश देने का काम करता है। दिल्ली पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह पारिवारिक समस्याओं की वजह से परेशान थी। इसी दौरान कहीं से उसे मसानी बाबा के बारे में पता चला और वह अपनी समस्याओं को लेकर बाबा के पास पहुंची थी। आश्रम में बाबा ने उससे पैसे भी ऐंठ लिए और उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार भी किया। इसके बाद उसने तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपने पति के साथ बाबा के आश्रम पहुंची थी, जहां उसने दीक्षा के बदले 5 लाख रुपए मांगे। महिला का कहना है कि उसने और पति ने 5 लाख रुपए दिए भी थे और बाबा ने दावा किया था कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक दिन वह अकेले आश्रम आई तो बाबा ने नशीला पेय पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ रेप किया। आरोपी बाबा का असली नाम विनोद बताया जा रहा है और वह 34 साल का है। काफ़ी समय से दिल्ली में मसानी चौकी बाबा के नाम से आश्रम चला रहा था। आरोपी विनोद उर्फ माता मसानी चौकी बाबा यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव है और अपना एक चैनल भी चलाता है, जिसमें वह आए दिन वीडियोस डालता रहता है। अपने वीडियो में वह भक्तों से संयम बरतने और सत्य के मार्ग पर चलने जैसा उपदेश देता है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ पुराने ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामलों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल उसके आश्रम को भी सील कर दिया गया है और खास सहयोगियों की तलाश की जा रही है। अब देखना होगा कि इस ढोंगी बाबा को कब तक सजा होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।